आप सब, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये है हमारी नूर। लास्ट वीडियो में मैंने आप सबसे पूछा था कि नूर की क्या एज है, तो सबने बहुत मजे मजे के रिप्लाई दिए। किसी ने बोला कि ये 1 1 की है, किसी ने 2, किसी ने कहा कि ये 1 ईयर की भी है। तो नूर की जो एग्जैक्ट एज है, बहुत सारे लोग उसके करीब करीब पहुंच गए थे। तो नूर है 4.5 मंथ्स की, नूर 4.5 महीने की है। सी, नूर अपनी एज के लिहाज से बहुत ही छोटी है, लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी है और प्योर पर्शियन की तरह है ये। तो चलिए अब आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कैट्स रखी हैं, उनको इस बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो है ये बहुत ही डेडली डिजीज़ है, इससे आपकी कैट्स की डेथ भी हो सकती है, एंड स्पेशली आपके मेल कैट की डेथ हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये इसमें क्या क्या होता है, यूटीआई क्या है। बेसिकली यूटीआई ट्रैक इन्फेक्शन में आपकी कैट जो है वो प्रॉपर यूरिन नहीं कर सकती है। दैट मीन्स या तो उसका यूरिन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, आपका कैट जो है वो बार बार लिटर में जाएगा और लिटर यूज़ करने की कोशिश करेगा, यूरिनेट करने की कोशिश करेगा, बहुत जोर लगाएगा, लेकिन कैट को यूरिन नहीं आता। या फिर ये भी हो सकता है कि कैट्स जो हैं उनको ड्रॉप्स में यूरिन आने लग जाए, या फिर कैट के यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से कैट को कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, यूटीआई का इशू हो सकता है। और इन विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा ही केसेस आ रहे हैं। मैंने अपने वेट से कंसल्ट किया था और वो बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस दफ़ा ही केसेस आ रहे हैं। और ये केसेस ज़्यादातर क्यों होते हैं, ये होते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादातर लोग ड्राई फीड प्रेफर करते हैं, कैट को ड्राई कैट फूड खिलाते हैं, जिस वजह से कैट्स में डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं उसमें वाटर कॉन्टेंट बहुत कम होता है, और वाटर कंटेंट कम होने की वजह से कैट्स में वाटर डेफिशिएंसीज होने लग जाती है, डिहाइड्रेशन होने लग जाती है, और कैट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इश्यू हो जाता है और कैट को यूटीआई का इश्यू हो जाता है। यूटीआई में या तो कैट्स के अंदर किडनीज में वो स्टोन्स बनाना शुरू कर, और या तो उस स्टोन की वजह से कैट्स के यूरिन करने में उनको प्रॉब्लम होती है, उनका ब्लैडर फुल हो जाता है लेकिन वो यूरिनेट नहीं कर पा रहे होते हैं और यूरिन ब्लॉक हो जाता है, या फिर कैट्स में इन्फ्लेमेशन का इशू हो जाता है, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो या कोई इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिस वजह से कैट का यूरिन ब्लॉक हो जाता है, या फिर कैट जो है वो ड्रॉप वाइज कर रही होती है या पेनफुल यूरिन कर रहे होते हैं वो। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और अगर आपकी खुदा ना खास्ता आपकी कैट के साथ कोई भी आपको फील हो रहा है कि इसको यूटीआई का कोई इशू हो रहा है, इसको यूरिन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप फौरन अपने वेट के पास जाएं, वही डायग्नोज करके एक्सरे वगैरह करके आपको बता सकता है कि कैट को मेन इशू क्या है, स्टोन्स का इशू है या इन्फेक्शन का इशू है या क्या इशू है। यूटीआई का इशू सबसे ज़्यादा मेल कैट्स में होता है, ये फीमेल्स में थोड़ा रेयर होता है, लेकिन मेल कैट्स में इशू काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये स्टार्ट कब होता है, ये होता है कैट जब 2 ईयर्स से अबव उसकी एज होती है, 2 3 ईयर्स की होती है, तब कैट्स को ये इशू होता है, मेल कैट्स में ही होता है, और सम टाइम ये जेनेटिकली भी होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो विंटर्स है, विंटर्स में कैट्स वैसे भी पानी पीना बहुत कम कर देती हैं, और जब हम उनको ड्राई फीड देते हैं तो ड्राई फीड से उनके अंदर और वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, और जो उनकी किडनीज को अफेक्ट करती है, और कैट्स को यूटीआई का इशू हो सकता है। सो एज अ कैट ओनर, और आपने अगर अपने पास पेट्स रखे हुए हैं, तो मेक श्योर करें आप अपने कैट्स की हर मूवमेंट पे नज़र रखें, आप उनकी वाटर इनटेक बहुत अच्छी रखें ताकि उनको कभी भी लाइफ में यूटीआई का इशू ना हो, और अगर किसी को है भी तो वो वाटर इनटेक अपनी कैट्स की बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, अपनी कैट्स को ड्राई फीड के साथ साथ होम मेड कैट फूड भी दें, क्योंकि होम मेड कैट फूड में वाटर कॉन्टेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप वो दिया करें, अपनी कैट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अब बात करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट्स की, बात करते हैं कि यूटीआई का ट्रीटमेंट कैसे होता है। जब भी आपकी कैट को यूटीआई का इशू होगा तो आप देखेंगे कि आपकी कैट बहुत इरिटेट हुई हुई है, बहुत डिस्टर्ब है, बार बार लिटर में जा रही है वो, और सम टाइम कैट्स जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उस टाइम आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने किसी
अच्छे वेट के पास जाना है जो कि कैट्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकता है। ये बहुत ही सीरियस इशू है। अगर इसमें आपने जरा सी भी गलती की और इवन अगर आपने एक दो दिन भी लेट किया अपने कैट को डॉक्टर के पास लेके जाने में, तो आप अपने कैट को खो देंगे। तो आपने अच्छे डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करेंगे इसके साथ क्या इशू है। अगर तो ये अब डिपेंड करता है कि यूटीआई का इशू उसको कितना स्वेयर है या किस स्टेज पर है। अगर तो ज्यादा स्वेयर नहीं है तो ये एंटीबायोटिक से भी कंट्रोल हो जाता है। कैट्स जो है एंटीबायोटिक से भी ठीक हो जाती हैं। अगर ब्लॉकेज हो जाती है और एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहे होते हैं, डॉक्टर बता देते हैं कि कैट को ब्लैडर बिल्कुल, जब डॉक्टर्स देखते हैं कि ब्लैडर बिल्कुल फुल है और यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है वरना ब्लैडर जो है वो फट भी सकता है, तो उस केस में डॉक्टर कैथेटर यूज़ करते हैं। कैथेटर इंसर्ट किया जाता है कैट्स में। अब कैथेटर क्या होता है उसको मैं अगर एक आम जुबान में बताऊँ आपको, तो यूरिन की जो नाली होती है वो कैट्स को लगती है, मेल कैट्स को, तो उसको कैथेटर बोलते हैं। उस वो लगाते हैं ताकि कैट जो है यूरिन पास कर सके। सम टाइम ऐसा भी होता है कि दो तीन दफा कैथेटर यूज करना पड़ जाता है, कैट ठीक नहीं होती है, और मोस्टली केसेस में ऐसा भी होता है कि कैट की डेथ हो जाती है। तो ये कैथेटर यूज करते हैं। और अगर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसका हल यही होता है कि सर्जरी की जाती है और डॉक्टर्स जो है वो सर्जरी कैट की करते हैं। बहुत ही ये डेलिकेट और बहुत ही ये डेडली जो है ये एक केस है कैट्स के लिए। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ कैट्स की होम केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है, वाटर इनटेक बढ़ानी होती है, और खाने में कैट्स के लिए फिर यूटीआई के जो पेशेंट कैट्स होती हैं उसके लिए स्पेशलाइज्ड फीड्स आती हैं, तो वो हमें जो उनकी फीड होती है वही देनी होती है जो इनकी यूटीआई के लिए स्पेशलाइज्ड वो बनाई जाती है, स्पेसिफिकली इन्हीं के लिए होती है। तो आपने वो मेडिकेटेड फीड होती है वो बेसिकली, तो वो अपने कैट्स को देनी होती है। और इस केस में अपनी कैट्स को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस से बचाने की कोशिश करें, जितना स्ट्रेस होगा उतनी कैट और ज्यादा बीमार होगी। और जिन कैट्स को एक दफा यूटीआई का प्रॉब्लम हो जाता है उनकी सारी जिंदगी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि जिनको एक दफा हो गया उनको दोबारा भी हो सकता है। अगर आपकी कैट्स के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है तो फिर भी आप ये कोशिश करें कि अपनी कैट्स की वाटर इनटेक बहुत ज्यादा बढ़ाएं ताकि उनमें ये इन फ्यूचर ये इशू हो ही ना कभी। तो और विंटर्स में तो आप इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो आई होप आपको सब कुछ इस इशू से और यूटीआई से रिलेटेड पता चल गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। 83% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।